नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, मैंने FIR में जो शिकायत की है वह सब सच है, चाहे तो मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकते हैं। आप पार्टी की तरफ से बार बार मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि दिल्ली सरकार में महिला मंत्री ने कहा कि मेरे कपड़े फटे नहीं थे। मालीवाल ने केजरीवाल के PA विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में 16 मई को FIR दर्ज कर विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। हादसे में 4 की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। धमाका इतना तेज था कि लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दिया। आसपास की इमारतों के कांच के शीशों में दरारें आ गईं। वहीं विस्फोटक की वजह से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। यहां गर्मी से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं केरल में भारी बारिश के चलते 4 की जान चली गई। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स की लैंडिंग टेक ऑफ देर से हुई। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13 मई को मिस्र और अरबों के बीच लड़ाई के बाद हिंसा भड़क उठी है। किर्गिज लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को निशाना बना रहे हैं। बिश्केक में रहने वाली सूरत की स्टूडेंट रिया लाठिया ने बताया, सड़क पर जहां भी दूसरे देशों के छात्र दिख रहे हैं, भीड़ उन्हें पीट रही है। छात्र लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े हैं। 2 से 3 लड़कियों के साथ रेप हुआ है। किर्गिस्तान में करीब 17,000 भारतीय छात्र हैं। शेयर मार्केट आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने 75,407 का हाई बनाया है। इससे पहले सेंसेक्स 9 अप्रैल को 75,124 पर पहुंचा था। वहीं निफ्टी ने 22,959 का लेवल छुआ। इससे पहले निफ्टी का हाई 22,794 था। आज के कारोबार में सबसे ज़्यादा तेजी बैंकिंग और ऑटो शेयर में रही। निफ्टी के बैंक और ऑटो इंडेक्स में करीब 2% की तेजी रही। IT और रियल्टी इंडेक्स 1% से ज़्यादा चढ़े। हरियाणा में PM मोदी ने कहा, कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है। दलित, पिछड़ों और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। हरियाणा के बाद प्रधानमंत्री पंजाब के लिए रवाना हो गए। इन लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मोदी पहली बार पंजाब पहुंचे। 25 मई को 6ठे चरण में हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने PM मोदी को दूसरी बार लेटर लिखा है। सिद्धारमैया ने महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का राजनैतिक पासपोर्ट तुरंत रद्द करने की मांग की है। इससे पहले 1 मई को भी कर्नाटक CM ने मोदी को प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने और उसे भारत लाने में मदद करने के लिए लेटर लिखा। प्रज्वल फिलहाल जर्मनी में है। पिता HD रेवन्ना को इस केस में जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा के CJM भगवान दास गुप्ता पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, जज ने निजी हित के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया। बिल भेजने पर बिजली विभाग के अफसरों पर फर्जी केस कराया, वह जज बने रहने लायक नहीं है। मामला 2009 का है। CJM ने 2009 में लखनऊ में मकान खरीदा था। इस पर 1,66,916 रुपये का बिजली बिल बकाया था, जिसको लेकर CJM ने केस किया था। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग ने खुलासा किया है कि BCCI ने उनसे टीम इंडिया के हेड कोच के लिए संपर्क किया था, पर वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनका बेटा चाहता है कि वह इस जिम्मेदारी को लें। टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। नए हेड कोच का कार्यकाल जुलाई 2024 से दिसंबर 2027 तक 3.5 साल की अवधि के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए होगा। 20 मई को अहमदाबाद में KKR वर्सेस SRH मैच देखने गए एक्टर शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ गई थी। लू लगने के कारण शाहरुख खान को KD अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
शाहरुख खान को देखने जूही चावला भी अस्पताल पहुंची। अस्पताल से निकलकर उन्होंने शाहरुख का हेल्थ अपडेट दिया। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान आज शाम को डिस्चार्ज होकर मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।